हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यह सब बढ़िया होंगे। और भाई गर्मियों में आप लोग भी कहीं घूमने गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल तो मैं तैयारी कर रहा हूँ भाई, कुछ छोटी मोटी चीज़ों की और प्लानिंग कर रखी है मैंने आप लोगों के लिए। और आई होप कि बहुत जल्दी मैं ब्लॉग लेके आऊँगा आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया। फिलहाल तो अभी घर में हूँ अकेले, और क्यों हूँ अकेले अभी आपको बताता हूँ मैं, सारी बातें धीरे धीरे बताऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सारा कमरा कैसे फैला हुआ है। देखो, वॉशिंग मशीन अंदर दिख रही है, पुंतरू की साइकिल यहाँ दिख रही है, खिलौने वहाँ दिख रहे हैं, और बेड पूरा खाली है। मेरा सेकंड हेलमेट यहाँ पड़ा हुआ है, और वहाँ पे मेरा पुंतरू बैठा है, और ये मेरे रखे हैं पजामा और टी शर्ट, क्योंकि भाई मैं निकल रहा हूँ अभी थोड़ी देर में बाहर। और आप कहोगे कहाँ गए सारे लोग, तो भाई मम्मी पापा भी घर चले गए हैं, क्योंकि इमरजेंसी थी और एक छोटा मोटा काम भी है, तो इसलिए मम्मी पापा गए। क्योंकि छोटा मोटा काम क्या था, मम्मी पापा गए हैं मेरे चाचा चाची के घर प्रवेश के लिए, और मेरे मामा की लड़की की भी शादी है, तो इसलिए वो लोग घर चले गए हैं। और भानु और फंतरू ननिहाल गए हुए हैं, तो आपको पता ही है। तो इसलिए भाई अब घर पे रह गया हूँ सिर्फ मैं, अब घर पे है मेरा राज, सिर्फ मेरा राज। पर लेकिन सही बता रहा हूँ भाई, घर में ना यार फैमिली के बिना ना एकदम सुना हो जाता है। मम्मी पापा भानु फंतरू कोई नहीं है, तो इसलिए घर में बिल्कुल सुना हो गया है। अभी आप लोगों को पहली बार फील हो रहा है क्योंकि मैं अकेले हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है यार मतलब क्या हो गया, खाने को आ रहा घर ऐसा हो गया, बिल्कुल मन नहीं लग रहा भाई। मतलब मैं बैठा हुआ था अभी, क्या बोलूँ, मैंने दो तीन छुट्टियाँ तो ऐसी निकले जबकि मम्मी पापा सब थे, तो बोर हो जाता। अभी वो भी चले गए तो बिल्कुल ही घर खाने को आ रहा है, लेकिन अब क्या करें, टाइम निकालना है। और फिलहाल तो भाई मैं जा रहा हूँ एक छोटे से काम के लिए, और वो क्या है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि मैंने ना भाई बहुत टाइम से प्लान किया था कि मुझे ये चीज़ लेनी है, तो आज मुझे वो बेस्ट डील मिल गया, तो मैं जा रहा हूँ उसको देखने। और डील फाइनल हो गई तो भाई आपका भाई लेके आ जाएगा घर पे, और आप लोगों को दिखाएगा क्या चीज़ है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अभी सुबह उठ के क्या क्या किया। सुबह उठ के ना मैंने मेरा सबसे पहला गारमेंट पर पानी वानी डालना, क्योंकि भाई सूख जाएंगे इतनी गर्मी है ना, तो इसलिए भाई सबसे पहले इनमें पानी डाला मैंने। और छत हो गई ये धोबी घाट, सुबह सुबह कपड़े डाल दिए होंगे लोगों ने, मैं तो आराम से उठा। और इस पर देखो सारे पौधों पे मैंने पानी डाला है। फिलहाल भाभी ने भी डाल दिया होगा सुबह, क्योंकि मैं देखा था थोड़ा बहुत पानी इसमें दिख रहा था, तो भाभी ने शायद सुबह आके डाला होगा, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। देखो लाइन पे पौधे, तो सबसे पहला काम यही है सुबह उठो और इसमें पड़ाओ, क्योंकि भाई धूप इतनी ज़्यादा है तो भाई उनको भी यार पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना भाई, तो इसलिए भाई पानी डालना जरूरी है ना, पौधे मुरझाएंगे। और उसके बाद मैंने इसको भरा, और इसमें देखो ये ठंडा हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें बर्फ़ डाल देता हूँ, अब कबूतर जो आते हैं वो सब इसमें से पानी पीते हैं। तो ये सारा काम है मम्मी का, तो अभी वो नहीं है, तो भाई ये सब मुझे करना पड़ रहा है। और मौसम अच्छा हो रखा है भाई, आज तो छुट्टी के दिन मेरे मंगलवार को, धूप वूप है नहीं तो इसलिए अच्छा लग रहा है और बढ़िया लग रहा है भाई। हवा भी लग रही है ठंडी, पर कुछ बहुत नहीं, थोड़ी देर में धूप आ जाए, इसलिए भाई अब फटाफट तैयार होते हो, खाना वाना खाते हो, चलते। कूलर देखो यहाँ पे है, क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ना यार इसे यूज़ करना थोड़ा सर दर्द है, क्योंकि भाई पानी ना इतनी जल्दी खा जाता है ना कि उठ के सुबह चेक करना पड़ता है। और मैं सोता हूँ भाई 2:30 बजे, उसके बाद मेरी आँख खुलती सीधा 12:00 बजे, तो भाई तब तक तो पानी सूख जाएगा, मोटर चलता रह जाएगा, तो सूख जाएगा, तो फूक गया तो लेने देने पड़ जाएंगे, तो इसलिए भाई इसको नहीं चला रहा, इसलिए मैं इसे चला रहा हूँ, क्योंकि इसमें पानी अच्छे से यूज़ होता है और काफ़ी ज़्यादा चलता है, अभी भी इसमें पानी पड़ा हुआ है, तो अभी इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अकेले हैं तो इसको यूज़ करेंगे। तो आप फटाफट खाना खा लेते हैं, और खाना खा के भाई मैं निकलता हूँ, क्योंकि भाई बहुत लेट हो चुका हूँ, 3 तो यहीं बज गए हैं, और भाई मुझे जाना भी है लक्ष्मी नगर, तो भाई जो डील मैंने ली है वो बढ़िया निकल जाए तो मज़ा आ जाए, तो जब चाय जल्दी से लेके आते हैं। तो भाई रेडी हो चुके हो, रेडी होकर मैं कुछ ऐसा दिख रहा हूँ, तो इसलिए भाई अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया खाने पीने में, बर्तन धोने में, और सारे काम भाई खुद ही करने पड़ रहे। और मैंने ना भाई मैंने कपड़े भी धोए, पता है बहुत 2 दिन से खुद ही कपड़े धो रहा हूँ मैं, और ये देख सकते हो कपड़े धो के सूख गए हैं, पैंट टी शर्ट मेरे ऑफिस के यहाँ रखा है, और ये मेरी फंतू का ना फेवरेट गुड्डा है, देखो आजकल ये मेरे साथ सोता है, आज तो फंतू नहीं है ना, तो इसलिए उसके गुड्डे के साथ सो जाता हूँ, इसी टाइम पर फिर जाता है कुछ, पर ऐसे भी होता है लाइफ में, जीने पड़ते हैं, कभी कभी सोचा नहीं होता है जो आपने वो भी हो जाता है, तो अब ऐसे ही छोटे छोटे पल ऐसे ही जीने पड़ते हैं, ऐसे पल पर जीने पड़ते हैं लाइफ में जो आप सोचते नहीं हो, लेकिन क्या करें जीना पड़ता है, तो जब आएगी तब आएगी, तब तक तो इसी से काम चलाएंगे। चलो चलते हैं, लेट हो रहे हैं। और ये जो थैला मैंने बना रखा है, इसमें थोड़ा गाय के लिए है, तो गाय खाएगी फल फ्रूट, तो मैं तो खाता नहीं फ्रूट वगैरह, मम्मी देखेगी तो डांटेगी, तो ये गाय को देते हुए निकलेंगे। तो और गाय खाएगी आज फल, और फल क्या खाएगी वो ऐसे रखे हैं मैंने इसमें, पपीता आम, तो और क्या है ये तरबूज, तरबूज मैंने काट लिया अपना, बड़े बड़े होते हैं ना खाने में दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसे काट के ले जा रहा हूँ, वो खा लेगी, तो मैं खाता ही नहीं, मैंने मम्मी पापा बोला था खा लेना, पर वो खाते ही नहीं, तो अब मुझे क्या बोलूँ, मैं तो खाते ही नहीं, तो इसलिए उसको काट काट के ले जा रहा हूँ, छोटे छोटे गाय जहाँ मिलेगी वहाँ से दे देंगे। तो भाई मैंने जिस चीज़ की बात की थी ना वो मैं ले चुका हूँ, और ये क्या है मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा,
और मुझे मिली है सबसे बेस्ट डील इस जगह पे, पर मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये देखो हर बंदा अपने अपने तरीके से चीज़ें लेता है, तो क्या पता कल को जब आप आओ तो मार्केटिंग ऊपर नीचे हो तो रेट अलग चलते हैं। तो इसलिए भी मेरे को जो बेस्ट डील मिली है मुझे यहाँ डीजी हाउस में मिली है, जो कि भाई यहाँ लक्ष्मी नगर में है। पूरी डिटेल भैया बताएंगे आपको, क्योंकि मैं तो यहाँ पे खुद गूगल के थ्रू पहुँचा था, भैया ने जो मुझे लोकेशन दी थी। ये अंकित जी हैं और ये आपको बताएंगे। भैया यहाँ का लोकेशन वगैरह बता दो। ये आपको लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पिलर नंबर 34 के पास में है, अपोजिट ऑफ वैन हाउस, और मेट्रो पिलर नंबर 34 डी ब्लॉक थर्ड फ्लोर। और भैया ये बता दो आप जो लेंसेस किस चीज़ पे आप डील कर रहे हो? कितने बेसिकली डील करते हैं कैमराज एंड लेंसेस पे। हाँ, हमारे पास सारे डिजिटल मिररलेस कैमराज होते हैं। हाँ। और उसके एसेसरीज, एक्शन कैमराज, कैमराज, हमारे पास हर तरीके के कैमराज होते हैं। हाँ, मैंने अभी GoPro भी देखा, पीछे रखा हुआ आपके पास। और मैं सही बता रहा हूँ भाई, मिकुनो सबसे बेस्ट डील मिली है यहाँ पे। और एक कौन सा कैमरा है वो आपको मैं जल्दी बताऊंगा। और मुझे जिस भैया ने मेरी हेल्प करी है वो बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने मुझे लोकेशन सेंड की थी, उन्होंने मुझे बोला था कि पूरी मार्केट में सबसे बेस्ट डील मिलेगी। भैया आपका नाम क्या है? बादल हो, पर भैया बादल यहाँ भी लगवा दो दिल्ली में, यानी बादलों का पता ही नहीं चल रहा है। तो भाई यहाँ आना सच में, यहाँ की हॉस्पिटलिटी ना बहुत अच्छी है। भैया ने तो बिठा के आराम से पानी वानी खिला के आराम से एसी में बिठाया, और ये चीज़ मेरे को जो लेना चाह रहा था वो मुझे मिल गया है। और फिलहाल चलते हैं घर, क्योंकि लेट हो गया, और जल्दी जल्दी मैं आपको चल के बताता हूँ क्या चीज़ है। तो चलो, थैंक यू भैया, ठीक है, जल्दी मिलेंगे आपसे। ओके भैया, थैंक यू, जल्दी मिलेंगे आपसे फिर। थैंक यू, ठीक है, हेलो। तो चलो भाई घर निकलते हैं। और ये कुछ है डीजी हाउस का बोर्ड, आप देख सकते हो ये है। और भैया का मैं कार्ड ना डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उस कार्ड पे कॉल करके भी पता कर सकते हो। तो कुछ ऐसी जगह पे से देखो मैं जा रहा हूँ नीचे, और भाई मेरे को ना पहले लगा कि मैं किसी ना भाई घर में ना घुस जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा भाई मैं कहाँ चल रहा हूँ, एक मुझे ऐसा लगा भाई घर में ना हो किसी का। लेकिन मैं फिर धीरे धीरे चलता रहा। मैंने कहा डीजी हाउस के लिए सीढ़ियों पे ना वो लगे थे स्टिकर, तो मैं चढ़ गया, वरना मुझे लगा चढ़ गया किसी घर में, हो गया काम। धन्नो खड़ी है मेरी यहाँ पे, अब निकालेंगे धन्नो और जाएंगे घर को। तो भाई थकते थकते पहुंच गए हैं घर, और भाई घर पहुंच के ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या सही बता रहा हूँ भाई, मैं जिस चीज़ के लिए गया था वो तो शॉप पे थी नहीं, क्योंकि उन्हें लगा मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा पता नहीं। फिर भाई आधा पौने घंटे वेट करने के बाद फिर प्रोडक्ट मेरे पास पहुँचा, और भाई उसको चेक किया, और भाई जब चेक किया तो दिल को जो सुकून मिलता है ना भाई, किसी चीज़ को बहुत टाइम से वेट करो, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके भाई मैंने आज वो चीज़ खरीदी है, तो जो सुकून मिल रहा है ना वो क्या ही बताऊँ। क्योंकि बहुत टाइम से मैं उसका वेट कर रहा था, सोच रहा था कि यार मैं ना इस पर इन्वेस्ट जरूर करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज वो चीज़ हाथ लगी तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है, भाई क्या ही बोलो, इतनी अच्छी डील मिली है, मैं क्या ही बताऊँ मतलब। और ये मैं यूज़ करने वाला हूँ अपनी नेक्स्ट राइड पे, और ये क्या हो सकता है ये आप लोग गेस करके बताना कि मैंने क्या चीज़ खरीदी है और मैंने किस चीज़ पे पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ये जो आप लोग मुझे गेस करके बताओगे ना उसको मिलेगा कुछ भी नहीं, पर लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने कम से कम गेस तो किया। तो आप लोग मुझे बताना, मैं आपको इसका ये क्या चीज़ है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पर उससे पहले हो सकता है मैं राइट पे निकलूँ, तो जब मैं राइट पे निकलूँगा तब से यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं इसका रिव्यू करूँगा, उसके बाद आपको बता ही दूँगा। बताना क्या करता आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ है, पर फिलहाल आप जरूर गेस करना कि भाई इसमें क्या हो सकता है। तो जो लोग सही गेस करेंगे उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो भाई गेस जरूर करना। और फिलहाल तो अभी मैं खाने वाने की तैयारी करता हूँ, क्योंकि भाई अकेला हूँ, बताइए भाई सुना सुना लग रहा है सब कुछ। तो इसलिए अब जाता हूँ, कुछ मार्केट से लाता हूँ, और फिर खाते हैं वो भी आराम करते हैं, फिर कल निकलेंगे ड्यूटी। और फिलहाल मैं इसे चेक करता हूँ ये कैसे यूज़ होता है, तो आप लोग तब तक गेस करना।